ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगू दुआ जो। ये सब तुम्हारी शय का नतीजा है कि वो इतना बेखौफ इतना निडर घूम रहा है। अच्छा, हम सब इतने बुरे लगने लगे हैं तुम्हें, इतनी बुराइयां नजर आ रही हैं, तो क्यों रहती हो यहाँ? जाके अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती? तू एक काम कर, सब कुछ छोड़, तू इसका बाजू पकड़ और घसीटता हुआ यहाँ से घर से बाहर धक्के देके निकाल दे। बस एक ही ना बाहर। नहीं है मानू यहाँ पर, उठाकर बाहर फेंक दिया भाई ने उसे। अब जाए, जाकर ढूंढते फिरे उसे। क्या जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। मानूर, मानूर, पप्पू, चाची, क्या हुआ? पप्पू, मानूर, मानूर, मानूर बेटा, मानूर बेटा, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो मानो मेरे, मानो। अच्छा अंदर तो आओ, संभालो अपने आप को, चलो शाबाश बैठो। अम्मी, अम्मी, बैठो। मेरा बनान, मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा ला दो प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता। इतनी अंधेर मचा रखी है उन लोगों ने, क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। वो शख्स इतना गिरा हुआ निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। पता नहीं किन लोगों में होगा, किस हाल में होगा। बेटा संभालो अपने आप को बेटा। मानूर, मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारा मनान तुम्हारे पास होगा। बेटा बस संभालो, हारू ढूंढ के लाएगा उसे। शाबाश, चुप हो जाओ। न जाने हम माँ बेटे में इतनी दूरी कैसे आ गई, अपनी इज्जत और अना में कहीं कहीं मैंने ही अपने बेटे के साथ कोई कोई ज्यादती तो नहीं कर दी। ताला लगा हुआ यहाँ भी, क्या करें? एजेंसी चलते, चलिए। मैं रखे हो पे? हाँ ना, ये अपनी फिक्र करके आ गई। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं मुराद की अम्मी और ये बहन, बताना। आप लोग अंदर कैसे आए? बता। तो मैं लेके आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। छोटी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यार तो ले लो। मैडम, मैं इसे जरा कमरे में बात कर सकता? आप बैठे अम्मा। हाँ। अजीब सी है तो हवन नक्शी, ये देख कैसी होगी हम, क्या सलूक करेगी हमारे साथ? आप परेशान ना हो, FIR तो कट चुकी है और हमने तमाम रास्तों पर नाके भी लगा दिए हैं, पकड़ा जाएगा। चलिए। क्या हुआ? अभी इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम? तुम तो रहना चाहती थी ना मेरी फैमिली के साथ। हाँ, लेकिन यहाँ इस तरह, उसूलन तो मुझे ससुराल में रहना चाहिए था आपकी फैमिली के साथ। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं कह रही, लेकिन कान को यहाँ से पकड़ा जाए वहाँ से बात तो एक ही है, मकसद तो फैमिली के साथ रहना था तो आ गई।
रात आपने ये सब इतना अचानक किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अगर तुम्हें अम्मा और शहजादी का यहाँ आना बुरा लग रहा है तो मैं उनको वापस भेज देता हूँ। मुराद, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपको मुझे इतला तो देनी चाहिए थी उनके आने की, ताकि मैं ज़हनी तौर पर तैयार तो रहती। यार अब तुमसे क्या छुपाना ना, सब कुछ प्लान के खिलाफ हुआ और मुझे यही फैसला बेहतर लगा। हम मुझसे कुछ छुपा रहे? देखो सच ये है कि मैं मानूर की हरकतों से तंग हो गया आया, उसके और हारून के बीच में अब भी पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। वो फोन पे उससे बात करी थी, मैंने डांट दिया तो गुस्से में मनान को उठा कर ले गई, और हारून भी अब तक मुझे तंग कर रहा, और अब सोचो दोनों ने कहीं बच्चे को छुपा लिया और मुझ पे बच्चा बेचने का घटिया इल्जाम लगा दिया। सोच सकती हो तुम, मतलब वो सिर्फ मौके की तलाश में कि मैं किसी तरह उसको तलाक दे दूं, लेकिन मैं भी इतने आसानी से उसको तलाक नहीं दूंगा। उस बद किरदार लड़की को अपने साथ भी नहीं रखूंगा, लेकिन अपने मकसद में दोनों को कामयाब नहीं होने दूंगा, बस मैंने ठान ली है। मानूर चली गई है, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या तो किया मैंने तुमसे, मैं भूल जाना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई भी और था, मेरे लिए सिर्फ मेरी अनम अहम। मुझे भरोसा है आप पर, और अब यही एहसास मुझे खुशी देता है कि आप सिर्फ मेरे हैं। तो बस सिर्फ इसी एहसास को अपने दिल और दिमाग में रखो। देख तो सही जरा, हैं? मनुस मारी को इतना नहीं पता कि सास और नंद आके बैठी हुई है। अरे चाय खाना तो दूर की बात, पानी का घूंट पूछता वो हाले पूछा तक नहीं, और वो तेरा भाई मुराद, ना मुराद बना बैठा है, जाके खुद भी जाके उसके घुटने से लग के बैठ गया, नहीं ख्याल उसे माँ और बहन का। शुक्र करो कि बहू ने हाथ पकड़कर घर से नहीं निकाला, पुराना घर छोड़ा ना तो पुराने अंदाज भी बदलने होंगे। बकवास ना करना मेरे साथ, मैं बताए दे रही हूँ मैं, और तू मेरा पानदान भी नहीं लेकर आई, एक ही तो शुगर है मेरे पास, वो भी ना करूँ बैठ जाऊँ सूखे मुँह से। देखो अम्मा अब पान भी छोड़ना होगा। तो दुनिया ना छोड़ दूँ, मेरी औलाद का तो बस नहीं चल रहा कि हाथ पकड़ के माँ को घर से बाहर निकाल दे। मेरा कहने का वो मतलब नहीं, कहने का वो मतलब नहीं था, कहाँ लाके बिठा दिया, घर इस कदर का याद आ रहा है, जैसा भी था अपना तो था, कमबख्ती मारा बुलाना किसी बहाने, पेट अंदर जा रहा, भूख से दम निकला चला जा रहा। आ जाएगा ना, थोड़ा सब्र करो। तू कर सब्र। मैं बहुत खुश हूं जान, क्या वापस आ गए। इतने सालों बाद ये तो मुझे पता चला कि सारी उम्र मैंने अंधेरे में गुजार दी, अपने घर से मुंह मोड़ के बैठी रही मैं। चले देर से ही सही, लेकिन आपको आपकी गलती का एहसास तो हो गया। एहसास तो हो गया, लेकिन साथ मुझे बहुत अफसोस है, मैं साथ साथ मैंने तुम्हारा तमाशा भी बना दिया। मेरी ज्यादा गलती थी, ये मेरी अधर्मी का कसूर है कि अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आपके साथ आपके घर में रहने चला गया। अब देखें अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, मुतमईन। नजर आ रहा है तुम्हारे माँ बाप मुझे माफ कर देंगे, मैं कहीं नहीं जा सकती, सारे दर बंद करके आई हूँ। माफ कर चुके हैं आपको, बहुत खुश थे इस खबर को सुन के कि आप वापस आ रही हैं, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, देखिए कितनी खुशी से मिलेंगे आपसे। सच? आपकी कसम। क्या हुआ अभी आप इतना खुश थी, अब उदास हो गई? जिसने दायर थी उसी के बारे में सोच के परेशान हो रही हूँ। किसकी बात कर रही है? मानूर, पता नहीं अपने बच्चे के बगैर कैसे जिंदगी गुजार रही है वो। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि मानूर को उसका बच्चा मिल जाए। आमीन। संभालो अपने आप को, इतनी देर हो गई अम्मा, मनान अभी तक क्यों नहीं आया? बेटा हारून गया है ना उसे लेने, वो तुम्हारे बच्चे को लेकर आएगा, हौसला रखो। मुराद ने अपने ही बच्चे को बेच दिया, इतने छोटे से बच्चे को भला कौन बेचता है अम्मा? ऐसा सलूक तो इंसान अपने औलाद के साथ कैसे कर सकता है, जानवर भी नहीं करता, इस तरह के लोग शैतान खिलाने के भी लायक नहीं होते। तुम बहन को और परेशान तो मत करो ना। अम्मा मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, मुझे तो गुस्सा इस बात का है कि आप ही ने सब कुछ बर्दाश्त ही क्यों किया।
तो शुक्र अदा करें कि आप ही को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे ज्यादा और क्या नुकसान करेगा वो, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। अम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस किसी तरह से मनान को ले आए। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा, किन लोगों में होगा। तुम हौसला रखो, हारू गया है, वो तुम्हारे बच्चे को लेके आएगा। संभालो अपने आप को, जाओ बहन के लिए पानी लेकर आओ। बस चुप हो जाओ, वो आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। दुआ करो, संभालो अपने आप को। बस इस तरह रो रो के तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। संभालो अपने आप को, वो आ जाएगा ना। आ जाएगा, आ जाएगा। जिन लोगों के लिए तुम इस घर की दीवारें फलांग रही थी, उन्होंने तुम्हें एक पल भी रखना गवारा नहीं समझा। तसल्ली हो गई? जी, हो गई तसल्ली। शुक्रिया, आप मुझे मेरे कहने पे घर वापस ले गए। शुक्रिया क्यों? क्योंकि मैंने हकीकत जान ली। अब आप फिक्र ना करें, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी और कोशिश भी नहीं करूंगी भागने की। इतनी जल्दी इतनी बड़ी तब्दीली? क्या मैं इस तब्दीली की वजह पूछ सकती हूँ? कैदियों से वजह नहीं पूछी जाती। इसका मतलब है कि तुमने खुद को कैदी तस्लीम कर लिया? अच्छी बात है, जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लिया जाए अच्छा है। लेकिन तुमने बहुत जल्दी हथियार डाल दिए। आगाई का तमाचा इतनी जोर से मुंह पे पड़ा कि सारे हथियार ही गिर गए। अगर तुम्हारे घर वालों का फोन आए तो क्या कहूं? कह दीजिएगा कि मलका आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अपनों से इतनी जल्दी नजरें फेरना अच्छी बात नहीं है। अपने वो होते हैं जो अपने छोटों को अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं। गलत चीजों को शह देने वाले अपने नहीं होते। उनको दुश्मन कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब है। खैर छोड़ो, जब अपनों को ही अपनों की फिक्र नहीं है तो उनसे ताल्लुक रखने का क्या फायदा। बस कर, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। सलाम जी। मुराद को मिलने के लिए आया। मुराद से मिलना है तो उसके घर पर जाकर मिलो, यहाँ क्यों आए? उसके घर पर भी गया था, एजेंसी पर भी, हर जगह ताला लगा हुआ। देखिए, पुलिस हर जगह छापे मार रही थी। वो यहां पर भी आना चाह रही थी लेकिन मैंने उन्हें मना किया। मैंने सोचा कि एक बार मैं खुद जाकर देख लूं। तुम पुलिस के साथ आओ या अकेले आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुराद यहां पर नहीं है। क्या मैं खुद एक दफा देख सकता हूँ? अकेली रहती हूँ मैं, किसी अजनबी को ऐसे अपने घर के अंदर घुसने नहीं दे सकती। बेहतर होगा कि आप अपनी ये दुश्मनी इस घर की दहलीज से बाहर निकालें और दोबारा मेरे घर का रुख किया ना, तो ये दरवाजा आपके मुंह पे बंद करते हुए मुझे अच्छा महसूस नहीं होगा। देखिए, आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं यहाँ पे पुलिस को लेकर आऊँ। चले आ, पहले ही तुम्हारा ये बहन कहने का ड्रामा सुन के एक धोखा तो मैं खा चुकी हूँ। अपनी तसल्ली के लिए कुछ और करना चाहते हो तो वो भी कर लो। आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे उसका बच्चा अगवा हुआ है, बच्चा चला गया है। खुदा रा प्लीज, उसकी मदद करके खुद को गुनहगार मत कीजिए। अव्वल तो मुराद यहाँ आए नहीं, और अगर आए भी होते
तो मेरा इस किस्से से कोई लेना देना नहीं। ये आपके आपसी मामला आते हैं, इन्हें आप खुद हैंडल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जा सकते हैं आप यहाँ से। ठीक। मैंने कहा नहीं था तुमसे, जरूर आएगा वो यहाँ पे। ठीक कहा था। तूने बहुत अच्छा किया, दरवाजे से ही लौटा दिया भाई। चला तो गया है, लेकिन कहकर गया है कि पुलिस आपकी तलाश में छापे मार रही है। अगर फिर आया और पुलिस को लेकर आया तो मैं तो उसे अंदर आने से मना भी नहीं कर सकूंगी। हाँ, सोचना पड़ेगा इस बारे में। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुराद, जब आपने कुछ किया नहीं है तो छुप क्यों रहे हैं? सामना करें ना सबका। कौन मेरी बात का यकीन करेगा ना कि एक मां अपने आशना के साथ निकाह रचाने के लिए अपने बच्चे की आड़ में मुझे ब्लैकमेल कर रही है? हाँ ठीक कह रहा है मुराद, बिल्कुल। अरे बहुत ही चलित्र है दोनों, तुम्हें खबर ही नहीं है। ऐसा भला फुसला के ना अपनी शादी में लेके चला तो गया। ये बच्ची से निकाह तक नहीं किया, शादी भी नहीं की, ऐसी चलता बना। कितनी बार कहा है कि ये बात करके मेरा दिल मत जलाया करो अम्मा। बात तो बहुत दिल पे ले लो ये बच्ची ने, बड़ा दुख है इस बात का। ऐसे देख ले तुमने, वो सिर्फ तुम्हें मुझसे दूर नहीं करना चाहता, उसने मेरी इस मासूम सी बहन को भी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं उन दोनों को नहीं रहने दूंगा। माँ की तो बात सुननी नहीं होती, और आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं चाहती हूँ कि आप हारून से पूछें कि वो क्या चाहता है, मुझे नहीं बता रहा वो। मैं पूछना क्या है उससे, ये तो बताओ। इसे तो छोड़े, घर की खबर लें, आपको दुनिया की खबर की पड़ी हुई है। अपने घर की क्या खबर लूं यार, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। खाक ठीक चल रहा है, अभी तक घर नहीं पहुंचा, मेरे फोन नहीं उठा रहा। मुझे कहीं मसरूफ होगा। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ उसे। देखना अभी अगर फोन उठाता है तो कैसे खिंचाई करता हूँ उसके। हाँ हेलो हारून, कहाँ हो यार तुम? तुम्हारी माँ इतनी क्या, तो तुमने हमें क्यों नहीं खबर की? क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं। हाँ बेटा हम आ रहे हैं। क्या हुआ हारून को? हारून ठीक है, हारून ठीक है, लेकिन हमें अभी सकीना के घर जाना होगा। उठो। सकीना की तरफ? अरे रास्ते में बताता हूँ तुम्हें, मानूर के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है और हम बेखबर रहे। देखो प्लीज, ये वक्त कदूरतें मिटा के मानूर को दिलासा देने का है, पहले ही इतना बड़ा जुल्म हो चुका है उसके साथ। चलो उठो। अच्छा ठीक है, रुके तो सही। नान ये तो चुप ही नहीं हो रहा रहीम, इसे कोई तकलीफ है? इसके पेट में तो दर्द नहीं है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। एक मिनट, हमें एक गर्म महसूस हो रहा है मुझे। फिर इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं ना। ठीक कह रही हो तुम, इतनी नन्ही सी जान इतनी तकलीफ में रहेगी, हम भी परेशान रहेंगे। तुम इसे लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक, जल्दी करो। बस खुद को संभालो हारून, अभी आता होगा, मुन्ने को भी साथ ले आएगा, तुम बस चुप हो जाओ। हारून क्या हुआ? नहीं मिला। तुमने उसे ढूंढा हर जगह, हाँ
हर जगह तलाश करने की कोशिश की। उसके घर पर, एजेंसी पर, सब जगह ताला लगा हुआ था। याद है कि अनम के घर पर भी नहीं था, लेकिन मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारे बच्चे को मैं यहां लाकर दिखाऊंगा। कब लाओगे? हाँ, कैसे लाओगे? तुम ला ही नहीं सकते, झूठी नजरियां दे रहे हो। चुप जाओ, कहाँ है मुराद? कहाँ है मुराद? मैं उसके पैर पड़ के अपने बच्चे को खुद ले आऊंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। भाग गया वो, मुझे पता है, मेरे बच्चे को बेच दिया उसने, घर का सौदा करते करते मेरे छोटे से बच्चे को बेच दिया उसने। अम्मा बताओ ना, कहाँ है मुराद? संभालो खुद को। कैसे संभालूं अम्मा, इतने जुल्म, इतनी ज्यादतियां मैंने अपने बच्चे के लिए सही है, मेरा बच्चा भी छीन लिया मुझसे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती अम्मा, मैं उसके बगैर नहीं। मानुल, 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 मानुल बेटा, मानुल, क्या हुआ इसे? हारून, मानुल, मानुल बेटा। रास्ते में से फिर इसके लिए मुझे नहीं चाहता। चलो, क्या हुआ? जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। मानो कुछ नहीं हो। मानो, डॉक्टर, डॉक्टर, बच्चा बेहद कमजोर है, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है, इसे एडमिट करना बेहद जरूरी है, आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। घबराने की तो कोई बात नहीं डॉक्टर। नहीं, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हो भी सकती है, इसीलिए तो इसे इमरजेंसी में रख रहे हैं। थैंक यू। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? नहीं पता लगा, जाने किस बिल में छुप गया है वो चूहा खाना, उसके दोस्तों की बैठक, उस जगह पर छापा मारा जहां उसकी मौजूदगी मतवक्के थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर काइंडली आप एयरपोर्ट्स वगैरह पर भी चेक करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आपको इस एंगल से सोचना पड़ेगा, ये मुराद जो है ये मुल्क से बाहर भी जा सकता है। हाँ, हमारी नजर उस तरफ भी है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अगर मुमकिन हो तो अखबार और मीडिया के जरिए आप खबर चलवा दें, बाकी हम अपनी सी कोशिश तो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, बल्कि इस सिलसिले में मेरी किसी से बात भी हुई है, अगर आपको कोई इत्तला मिले तो प्लीज जरूर बताइएगा। जी जी, जरूर जरूर, हर गाड़ी को चेक करो, उधर से आने वाली गाड़ी को भी चेक करो जो आ रही है। डॉक्टर कह रहे हैं उसे कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, अगर मन्नान नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? मानूर होश में आने के बाद मन्नान को ढूंढेगी, हम उसे क्या जवाब देंगे? तो कहेंगे उसे कि वो कहाँ चला गया, तो उसे ढूंढ के लाए हमने मन्नान को। मैं माँ, आप तो खुद को संभाले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। किन गलत लोगों में मैंने अपनी बच्ची को बयान दिया, जल्दी मैं फैसले कर लूँ बच्ची मन्नान को कहाँ से ढूंढ के लाऊं, खुदा के लिए मेरे बच्चे को ढूंढ के ले आओ, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी अगर मन्नान मिल गया तो। मैं क्या करूं? कुछ तो बोलो, मैं क्या करूं? कहां से ढूंढ के लाऊं? अम्मा मिल जाएगा मन्नान, प्लीज संभाले खुद को। क्या होता है, खाना नहीं खा रहा? नहीं, उसे मैंने कमरे में ही खिला दिया था, सो गया अब वो। तो अच्छी बात, अच्छा बच्चा है। किसी चीज की जरूरत है आपको?
वो मुराद बिन बताए ले आया ना आप लोगों को इसलिए। तुम्हें हमारे आने की खुशी नहीं हुई कोई? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर पहले से बता देते तो मैं कुछ इंतजाम कर दी। यही बहुत है, ज्यादा अच्छा हमें रास नहीं आता। इसकी बातों को दिल पे न लेना, शादी टूटी है ना जब से उल्टी सीधी बातें करने लगी। और तुम इंतजाम वगैरह का फिक्र ना करो, तुम्हारी सास यहीं पे तुम्हारे पास है, जितना चाहे ख्याल रखो। हाँ मैं सच्ची बात बता दूँ, एक दिन मैं तो साफ बोलती हूँ भैया है तो मेरे रात के दिल को भाग गई हो ना, तो समझो मेरे दिल को ही भाग गई। बोलती थी ना मानू अपने काले करतूतों की वजह से दिल से उतर गई, तुम ऐसा कुछ ना करना है ना। वो कभी किसी को पसंद आई कहाँ है सिवाय हारून के। ये भी ठीक कह रही। मैं कुछ डाल के दूँ? हाँ डाल लेंगे। अच्छा ये बताओ तुम्हें पकाना क्या क्या आता है? अच्छा है पाए बना लेती हो? बड़े के पाए खिलाओ कल, यही तुम्हारा इम्तिहान हो जाएगा जी। इतना तो मुझे पता था कि मुराद और उसकी फैमिली कितने गिरे हुए लोग हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इस हद तक नीच लोग होंगे। मानूर के साथ नारवा सलूक के बाद उसके बच्चे को भेज देना, ये हरकत तो कोई शैतान ही कर सकता। पता नहीं मुराद और उसकी फैमिली ने क्या समझ रखा है, वो जो चाहेंगे सलूक करेंगे। उसका बाप मरा है अभी, मैं जिंदा हूं। तुम भी पता नहीं हारून को क्या समझ रही हो, अगर वो ना होता तो सकीना और उसकी बेटियों को भी भेज देता। शुक्र है ये उसकी नेकी है जो उनकी खबरगिरी करता रहता है। छोड़ा मैं बात सुन, रात जैसे तैसे गुजार ली मैंने, है आगे का क्या प्लान? फिलहाल कोई प्लान नहीं हूँ। मैं बता दे रही हूँ तुझे, जो हारून है ना हारून एक नंबर का है, पीछा नहीं छोड़ने का। दोबारा अगर पुलिस लेके आ गया तो फिर क्या करेंगे है बता? ये फिक्र मुझे परेशान कर रहे हैं। फिक्र परेशान कर रही तो कोई ऐसी जगह तो ढूंढ ले ठिकाना जहाँ मुँह छुपा सके। मुफ्त में हमें कौन बना देगा? अम्मा मुफ्त में कहे कौन रहा है, घर नहीं बेचा उसके पास से नया घर ले लेना। अरे अम्मा तूने क्या बात याद दिला दी, तू मेरे दिमाग से निकल गई थी। अब डाल दी ना तेरे दिमाग में, अब वही कर जो मैं कह रही हूँ। चलो भे बच्चे जा जा के अंदर खेलो, शाबाश शाबाश हमारे सब पिटू खेल लो। बात सुन यही रह गई थी सूखी चमड़ी तुझे, इतने बड़े बच्चे की अम्मा शादी करने के लिए है और नहीं मिली? दा का खौफ कर अम्मा, एक अकेली कमाऊ औरत घर बिठा के तुझे खिलाने लगी, और क्या चाहती है तू? सिर्फ इसी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, सही बता रही हूँ। अब आज सुन, अब लग जाओ उस काम पे जो मैंने कहा है। हाँ वही कर रहा हूँ। बता दे रही जान के छोड़ती है हमारे सर पे सारी बातें सुनने के लिए। क्या कर रही हैं आप?
मुझे अपने मेरे मनान के पास आना नहीं भूल जाएगी आपको आपको खुदा का वास्ता है प्लीज संभाले खुद को अम्मी आ जाएगा मनान मानूर जो पेशेंट है कुछ आइडिया है कि कब डिस्चार्ज करेंगे सर रुखसावा को बता देंगे रूम 4 में आप चले जाएं जी 4025 जी सर सलाम वालेकुम सलाम मानूर की दवाइयां कैसी है मानूर होश आ गया है मगर मुस्तकिल रोए जा रही है मनान का कुछ पता चला अभी तक कुछ नहीं लेकिन आप फिक्र ना कीजिए मैं करता हूँ कुछ हाँ ना सर यार एक फेवर चाहिए थी आपसे एक मीडिया में न्यूज़ ब्रेक करनी थी एक्चुअली यार एक शख्स है उसके बारे में कुछ बताना था तुम्हें मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बता रहा हूँ हाँ जी वकास भाई कहाँ रह गए आप तो बयाना देके गायब हो गए अच्छा नहीं तो बताएं घर की बाकी पेमेंट कब कर रहे हैं नहीं मेरी तरफ से तो कोई डिले नहीं है आप ले लें चाबी आज आ जाऊं आपके पास चलो आज नहीं तो कल मिल लेते हैं ठीक है मुलाकात होती है कल पे अल्लाह हाफिज़ किससे मिलने की बात हो रही है यार वो जो घर बेचा है ना जिसको उससे बाकी पेमेंट लेनी है अब पेमेंट आएगी तो अम्मा लोगों के लिए कोई और ठिकाना ढूंढू क्यों उन्हें यहाँ रहने से कोई तकलीफ है क्या नहीं तकलीफ तो कोई नहीं बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है तुमने उन्हें यहाँ रखा है एहसान मंद हूँ तुम्हारा मुराद आपकी अम्मा मेरी भी तो कुछ लगती है परेशान ना हो मनान ठीक हो जाएगा मुझे लगता है रहीम हमने ऐसे गोद लेकर इसके साथ जाती की है कैसी बातें कर रही हो तबीयत खराबी का गोद लेने से क्या ताल्लुक अपनी माँ के पास होता तो शायद कि ये हालत ना होती इसकी माँ ने इसे अपनी रजामंदी से हमारे हवाले किया मैं नहीं मानती रहीम कोई भी माँ अपने बच्चे को इस तरह किसी के हवाले कैसे कर सकती है पैसे की तलब बहुत बुरी बला है हुआ और तुम क्या फजूल बातें सोच के परेशान हो रहे हो मनान ठीक हो जाएगा और जल्द तुम्हारी गोद में खेलेगा इंशाल्लाह चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं मैं रात को रुक जाऊंगा जब आप और मनान यहाँ होंगे तो मैं घर में अकेली रह के क्या करूंगी मैं भी यहीं रुकूंगी बेआरामी रहेगी घर पे रेस्ट कर लो थोड़े से अरसे में इस बच्चे से बहुत उनसियत हो गई है रहीम इसको यहाँ अकेले छोड़कर जाने का मेरा दिल नहीं करता मैं भी यहीं रुकूंगी आप इसरार ना करें चलो ठीक है जैसे तुम्हारी खुशी वैसे ही परेशान हो रही थी देखा अब तुम्हारी गोद में हूं शुक्र है अल्लाह का चलो चलते हैं घर रास्ते में सिर्फ इसके लिए चलो क्या हुआ मेरा बच्चा ये मेरा बनाने देगा मेरा बनाने देगा मुझे मार दिया क्या
गया हूँ, तुम्हारा मनान नहीं है। मुझे महसूस हुआ है मेरा मनान अभी यही कहता, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, मनान नहीं है। चलो शाबाश। मेरे मनान के पैर में काला निशान था ना, मैंने अभी देखा, मैंने महसूस किया, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा मानो तुम्हें धोखा हुआ होगा। चलो शाबाश। आप भी आप प्लीज थोड़ी देर के लिए सो जाएं, सोकर उठेंगे तो थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। मैं नहीं सो पा रही मैम, दवाई की वजह से मेरी आंखें तो बंद हो रही है, लेकिन मुझे मनान याद आ रहा है, मुझे उसकी आवाजें सुनाई दे रही है। आप इस तरह से परेशान होंगे तो हम कैसे ढूंढेंगे मनान को? मैं तुम लोगों को नहीं करूंगी परेशान, लेकिन मुझे मेरा बच्चा ला दो प्लीज। ठीक है, आप थोड़ी देर रिलैक्स तो करें प्लीज। मानूर की तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं है भाई साहब, अगर मनान जल्दी नहीं मिला तो मानूर। इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगे तुम? मिल जाएगा मनान। अभी ये जमीन जालमों के लिए इतनी बड़ी नहीं हुई है कि मुराद जैसा आदमी इसमें छुपा बैठा रहे और किसी को पता भी ना चले। चाय बना के ला सकी ना, उसकी कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारा दुख बांटने आए हैं, चाय तो कभी भी पी सकते हैं। ठीक कह रही है नाजिया, अभी तलब नहीं है चाय की, जरूरत हुई तो हम बता देंगे तुम। बैठो। हारून बेटा, तुम घर जाकर थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करते? मैं ठीक हूँ। सिद्ध मत करो, सुन लो माँ की बात। जाओ बेटा, भाभी बेगम ठीक कह रही। जब तक मानूर का बच्चा नहीं मिल जाता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा, लेकिन तुम इस तरह खुद को बीमार मत करो बेटा। सकीना, संभालो खुद को, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे अपनी बहन समझो, कोई भी परेशानी हो मैं हूं तुम्हारे साथ। तो सोच भी नहीं सकते कि बेचारी मानूर पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त। खाना तैयारी में कितनी देर है? मैं नहीं जा रही, खुद जाऊं। मम्मा यहाँ से कब जाएंगी? तला ऐसे नहीं कहते, आपके पापा की फैमिली है ना। किस कदर की ना खलफ औलाद है, जरा पूछ लेगी, मरे जा रही भूख से भी पता कर ली। तो मैं क्यों जाऊं, खुद चली जाओ ना। जी कुछ चाहिए आंटी आपको? वो खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, मैं शहजादी से यही कह रही थी भाभी ने क्या क्या पका डाला बताना जरा। आंटी कौरमा या स्टीम चिकन है साथ? अरे वाह वाह, कब चखने को मिल रहा है? बस बनने ही वाला है, ये चिकन चेक करनी थी गली है या नहीं। लो कौन सी बड़ी बात है, बोटियां लाओ यहाँ, अभी चेक करके बताती हूँ गली के नहीं गली। मम्मा ये कितना खाती है ना। है क्या कह रही है? नहीं मैं कुछ भी नहीं, अपनी बात कर रहा था। बहरी नहीं हूँ, सब सुन लिया, निवाल गिन रहा मेरे है ना। मैं ये चिकन लेके आती हूँ ना, आप चेक कर लें। बाप पे गया गोल गोल आंखों वाला, ऐसे ही होगा इसका बाप। जाने जिंदगी है मुझको किस राह पे लाई।